हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल, इजी, डिलाइट, डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी। चंद चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाएगी डेजर्ट ऐसा जो सबके होश उड़ा दे। टेस्ट इतना कमाल के खाने वाला एक दफ़ा तो ज़रूर आपकी तारीफ करेगा। ऐसी डेजर्ट की रेसिपी जो सबका फेवरेट तो होगा लेकिन बहुत ही इजी होगा उसे बनाना और बहुत कम बजट में ये बन जाएगा। तो फिर तो आप इसे हर दावत में बनाया करेंगे और ये हर दावत की जान बन जाएगा। तो चलिए जी, जल्दी से ट्रिफल कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध, कोई सा भी दूध आप ले सकते हैं। फिर इसमें ऐड कर लूँगी 2 से 3 इलायची के बीज, आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और फिर ऐड कर लूँगी चीनी 6 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसे कर लूँगी मिक्स और फिर इसे बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर 5 टेबलस्पून, इसमें ऐड कर लूँगी 1/2 कप दूध और फिर इसे कर लूँगी मिक्स। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ही पसंद है। तो आप इसे रख लेंगे साइड पर। तो देखिए जी, दूध को बॉयल आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी कस्टर्ड पाउडर और साथ ही साथ चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि कोई भी गुठली ना रहे। तो देखिए जी, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। मुझे कस्टर्ड ज़्यादा थिक चाहिए था इसलिए कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा थिक पसंद नहीं करते तो कस्टर्ड पाउडर कम ऐड कर सकते हैं, लेकिन डेजर्ट वगैरह में ये इसी तरह से बहुत ही मज़े का लगता है। 4 से 5 मिनट तक ही इसे कुक करना है। तो देखिए जी, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसका फ्लेम कर लूँगी ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए जी, कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब मैं ग्लासेस में ऐड करती जाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ 7 लेयर कस्टर्ड ट्रफल। ग्लासेस में फर्स्ट लेयर कस्टर्ड की ऐड करूंगी, आप चाहें तो किसी बाउल में भी इसे सेट कर सकती हैं। मैं बना रही हूँ इसे अपनी फैमिली के लिए तो मुझे उन्हें इस तरह से सर्व करने में ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बहुत ही प्यारा भी लगता है। अगर आप बहुत कम लोगों के लिए इसे बना रहे हों तो इसी तरह बाउल में या फिर ग्लासेस में इसे सेट कर सकते हैं, तो ये फिर बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखिए जी, फर्स्ट लेयर ऐड की है मैंने कस्टर्ड की। तो अब सेकंड लेयर मैं इसे करूँगी बिस्किट्स के साथ, कोई से भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। बिस्किट्स का मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, टेस्ट तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। मैंने कुछ इस तरह से ऐड करूँगी के साइड से भी ये प्यारे लगे। टेस्ट के साथ साथ ग्लास की ओवरऑल लुक भी बहुत ही प्यारी लगती है। तो तमाम ग्लासेस में इसे ऐड कर लिया है अच्छे से। तो थर्ड लेयर करूंगी मैं इसे फलूदा सेब से। बहुत इजीली घर पर आप इन्हें बना सकती हैं, 5 मिनट में ढेर सारी तैयार हो जाती हैं। फालूदा सेव बनाने की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, सो यू कैन गो एंड वॉच। सो इसे ऐड करने से ना जो डेजर्ट का टेस्ट होगा वो बहुत ही कमाल का हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत पसंद आएगा। तो जी, फोर्थ लेयर मैं इसे करूँगी मैंगो क्यूब से। मैंगो को छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है ताकि डेजर्ट खाते हुए इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। और वैसे भी अभी जब आम का सीजन है तो इससे भरपूर फायदा उठाएं और मैंगो को एंजॉय करें डिफरेंट तरह की रेसिपीज को बनाकर, सो दैट यू विल लव इट। तो ये देखिए जी, इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा सा लग रहा है। जब देखने में ये इतना प्यारा है तो खाने में तो ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट bomb.com होगा। आई मीन वेरी वेरी डिलीशियस। सो फिफ्थ लेयर मैं इसे करूँगी अगेन कस्टर्ड से। वनीला कस्टर्ड इज माई फेव, बहुत ही कोई कमाल का टेस्ट है इसका। तो मैंने क्या करा, जो कस्टर्ड रह गया था उसे ऐड किया पाइपिंग बैग में, इसी से ऐड करूँगी।
सो इट विल लुक्स मोर प्रीटी और इजीली ऐड भी हो जाएगा। तो अब इसे स्पून से सेट कर लूँगी कुछ इस तरह से, बहुत ही इजीली इस तरह ऐड भी हो जाता है और टेस्ट तो बहुत ही कमाल आता है। सो यस, सिक्स्थ लेयर अब अगेन मैं इसमें ऐड करूँगी बिस्किट्स पाउडर, तो ये खाने में और भी ज्यादा डिलीशियस लगेगा। इसी तरह से दरमियान में ऐड कर लूंगी कुछ इस तरह से। तो अब जो इसकी सेवंथ लेयर होगी वो मैं करूंगी अगेन मैंगो क्यूब से, क्योंकि मैंगो तो फिर मजेदार है। तो तमाम गिलासेस में इसी तरह से ऐड कर लूंगी। मैंगो तो हर किसी के फेवरेट है, तो ये आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी। तो इसकी टॉपिंग करूंगी आइसक्रीम से मैंगो एंड वनीला फ्लेवर। तो आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो इसमें ऐड करें और एंजॉय करें। लाइफ इज सो शॉर्ट, सो छोटी छोटी खुशियां समेटे और खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तो तभी आपके घर वाले, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी खुश रहेंगे। तो कोशिश करें बी हैप्पी, बी काइंड, बी हम्बल विद एवरी सिंगल पर्सन। तो फिर ऐड कर ली है फालूदा सेब और लास्ट में इसे गार्निश कर लूंगी बादाम से। सो आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और मजेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।